राहे दिल अम्मी लगता है यही घर है हुरैन ने डोर बैल बजाई फौरन ही दरवाज़ा खुल गया सामने एक हसीन व जमील नौजवान खड़ा था हुरैन पहली नज़र में ही उससे खासी मुतासर हुई थी वालेकुम। आयान ने सलाम में पहल की वालेकुम अस्सलाम। फौजिया और हुरैन ने एक साथ जवाब दिया बेटा क्या अहमद साहब का घर यही है जी आंटी यही है आपको किससे मिलना है बेटे वो दरअसल मुझे मिसिज अहमद से मिलना है जी आप आइए आयान ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद शाजिया को बुलाने के लिए मुलाजमा को कहने लगा शाजिया ने उनको सलाम करते ही कहा माफ़ कीजिएगा मैंने पहचाना नहीं जी बहन हम एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन हमारे बच्चे पहले मिल चुके हैं फौजिया ने अपनाइयत से कहा अन बेटा तुम जानते हो इन्हें आयान ने इशारतन नज़रों से ला ताल्लुकी जाहिर की आपकी बेटी से मिला था मेरा बेटा उसने गाड़ी ख़राब होने पर घर तक छोड़ा था जी अच्छा अच्छा आपका बेटा था माशाल्लाह, बहुत ही नेक बच्चा है आलिया ने बताया था हाँ बहन वो सब तो ठीक है लेकिन हमारे यहाँ आने की वजह कुछ और है अब फौजिया अपनी बात करने पर आई दरअसल मैं अपने बेटे के लिए आपकी आलिया का रिश्ता लेने आई हूँ बच्चे आपस में मिल चुके हैं आपसे मिलकर मुझे भी तसल्ली हो गई है अब बस आप हाँ कर दें बाकी अल्लाह ने किबान। वो सब तो ठीक है बहन पर मैं आपको कैसे इतनी जल्दी हाँ कर दूँ नहीं नहीं शाजिया बहन आप आराम से तसली कर लें फिर ही दुरुस्त फैसला कीजिएगा दरअसल हमजा आजकल आया हुआ है ना पाकिस्तान तो मैं सोच रही थी कि इस बार उसे बांध ही दूँ बाकी मेरा बच्चा बहुत सुलझा हुआ है माशाल्लाह पढ़ा लिखा है इंजीनियर है और अमेरिका में अच्छे अहदे पर नौकरी कर रहा है आलिया बेटी नज़र नहीं आ रही जी आज उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस थी तो लेट आएगी अच्छा अच्छा चलें कोई बात नहीं फिर मिलना हो जाएगा अब तो चक्कर लगता रहेगा जी जी बिल्कुल इन शाजिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा चलें अब हम भी चलते हैं इजाज़त दें अरे नहीं ऐसे कैसे आपने तो कुछ लिया ही नहीं शाजिया ने मेज़ पर रखी रिफ्रेशमेंट की तरफ देखते हुए कहा जो थोड़ी देर पहले ही मुलाजमा रख कर गई थी अरे नहीं बहन इन सब की कोई जरूरत नहीं है हमें तो बस आपकी आलिया चाहिए जी बहन लेकिन नहीं जजाक अल्लाह अगली बार आऊंगी तो आलिया के हाथ की चाय पीऊँगी चले अल्लाह हाफिज फौजिया शाजिया से हाथ मिलाते हुए बोली आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ अन मुस्कुराता हुआ बोला हुरैन ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया शाम को आलिया आई तो शाजिया ने आलिया को बुलाया आलिया बेटा इधर आओ मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है जी अम्मी बताएं क्या ज़रूरी बात करनी है बेटा आज तुम्हारा रिश्ता आया था एक बहुत ही अच्छे घर से तुम्हारे भाई से कहा है वो भी पता कर रहा है कि कैसे लोग हैं अगर अच्छा हुआ तो बताओ क्या मैं हाँ कर दूँ तुम भी लड़के से मिल चुकी हो लड़के की वालदा और बहन बहुत अच्छी मालूम हो रही थी अम्मी कौन सा लड़का जिससे मैं मिल चुकी हूँ बेटा वही लड़का जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था कि जिसने तुम्हें घर तक लिफ्ट दी थी हमज़ा तो बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है हाँ कर दूँ मैं अम्मी जैसे आपकी मर्ज़ी आप और भाई देख लें माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है चलो कल ही मैं शगुफ्ता से और अम से मशवरा करके उन लोगों को दावत पर बुलाती हूँ जी शाजिया बहन तो क्या सोचा आप लोगों ने वो दरअसल मेरी बेटी पहले आपके बेटे से बात करना चाहती है दोनों बच्चे आपस में बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आखिर ज़िंदगी दोनों ने साथ गुजारनी है क्यों नहीं बहन मैं खुद भी यही कहना चाह रही थी अन बेटा तुम हमज़ा को ऊपर ले जाओ छत पर आलिया वहां है हुरेन ने बहुत दिलचस्पी लेते हुए कहा आंटी क्या मैं भी साथ चली जाऊं हाँ बेटा क्यों नहीं तुम्हारा अपना ही तो घर है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आयान बैठे उड़ते परिंदों को देख रही थी कि अचानक ही हमजा को देख उठ खड़ी हुई घर तो बहुत खूबसूरत है आपका आपने बस अभी तक अपना रूम नहीं दिखाया क्या पर्दा है वहां पर कुछ अरे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है अयान ने हँसते हुए बोला आप हँसते हुए और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जी नहीं कुछ नहीं मेरा मतलब था कि आप मुस्कुराते रहा करें अच्छी बात है मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है अच्छा अच्छा आए चलें मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ मुबारक हो बहन आपको बहुत बहुत दोनों बच्चे राज़ी हैं मुंह मीठा करें अब बस जल्द अज जल्द, जल्द शादी की तारीफ़ दे दें जी जी बिल्कुल वो दरअसल मेरी छोटी बहन शगुफ्ता के यहाँ मैंने अपने अयान का रिश्ता किया हुआ है मैं चाह रही थी कि दोनों बच्चों की शादी साथ में ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा इसलिए मैं चाहती थी कि मैं पहले उससे भी मशवरा कर लूँ हुरैन को ये सुनकर झटका सा लगा और वो एकदम से उठ खड़ी हुई क्या हुआ बेटा हुन शाजिया ने हुरैन की तरफ देखते हुए कहा नहीं कुछ नहीं आंटी वो दरअसल मेरा दिल घबरा रहा है अजीब सी घुटन सी हो रही है मैं जरा बाहर से होकर आती हूँ हाँ इसके साथ ऐसा होता रहता है आप परेशान ना हो फौजिया ने हुरैन के बारे में बताते हुए कहा तबीयत तो ठीक है ना बच्ची की शाजिया ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा हाँ बहन वो दरअसल जब से इसके अब्बू का इंतकाल हुआ है तब से कभी कभी ऐसे ही परेशान हो जाती है घर पहुँचते ही वो सीधा अपने कमरे में चली आई और बेड पर ओंधी लेट कर सोचों में गुम हो गई वो निढ़ाल हो रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था उसके सामने अयान का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था वो खुली आँखों से भी उसको देख रही थी अगर आँखें बंद करती तो भी उसका चेहरा ही दिखाई देता उससे की हुई बातें सुनाई देती वो दिखाई देती लगभग तीन घंटे से लेट कर वो सोचों में गुम थी दुखी थी परेशान थी उदास थी या फिर कुछ और उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको जैसे किसी मायूसी ने आ घेरा था एकदम उसके दिल ने उसके दिमाग से सवाल पूछा क्या ये तुम्हें मोहब्बत हो गई है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं ऐसी चीजों के बारे में कब से सोचने लगी मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचती नहीं मैं तो कभी भी ये सब कुछ सोचना नहीं चाहती थी उस दिन भी उसके घर से आकर मुझे ऐसे फजूल ख्यालात आ रहे थे आज आज फिर वही सोच रही हूँ जो पहले जो पहले ही किसी और का है मैं उसके बारे में कैसे सोच सकती हूँ कुछ देर आंखें मूँदे लेटने के बाद वो एकदम से उठी और बोली नहीं मुझे कोई मोहब्बत नहीं है उससे बस मुझे मुतासर किया है क्योंकि वो खुश शक्ल और ख़ुश मिजाज था इसलिए मुझे शुरू ही से कॉन्फ़िडेंट लोग पसंद हैं बस यही वजह रही होगी कि मुझे उससे इतनी उनसियत होने लगी है उसने बेड पर रखा कुशन जोर से उछाला और वापस बेड पर लेट गई अयान बेटा मैंने तुम्हारी खाला से पूछ लिया है उनको कोई एतराज नहीं है वो अगले महीने ही शादी पर राजी हैं तुम बताओ तुम क्या चाहते हो आलिया झट से बोली अम्मी ये क्या चाहेंगे इनके तो मन में लड्डू फूट रहे हैं क्यों भाई बस ज्यादा मत बोलो मुझे छोड़ो मुझे तो लगता है कि लड्डू तुम्हारे मन में फूट रहे हैं फिर शादी भी तो तुम्हारी वजह से ही तय हो रही है चलो अब तुम दोनों फिर से लड़ना शुरू मत हो जाना अब तो सुधर जाओ तुम दोनों तुम दोनों की शादी होने वाली है अब भी बच्चों की तरह लड़ते हो नहीं अम्मी हम कहाँ लड़ते हैं हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे क्यों भाई हाँ अम्मी ये सही कह रही है वैसे भी अब इससे हमारी जान छूटने वाली है अब थोड़ी लडूंगा इससे आज शाजिया के घर सब जमा थे तीनों बेगमात लॉन में बैठे शादी की तारीख तय कर रही थीं और बाकी सारे अन के कमरे में बैठे लूडो खेल रहे थे हमज़ा आलिया अन और नीलम को खुशी खुशी खेलता देखकर कर हुरैन खुद को वहाँ फजूल महसूस कर रही थी वो मुसलसल सख्ते में बैठी थी कोई भी जीत जाता या हार जाता या शोर मचाता उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था वो सिर्फ़ अपने आप में मगन थी अचानक ही एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी नीलम तुम्हारा तक बहुत अच्छा है वही मीठी आवाज़ उसके कानों को भी चीर रही थी अन ने नीलम को जीतने की मुबारकबाद देते हुए कहा तुमने जीतना ही था आखिर तुम मेरे साथ जो खेल रही थी अन की ये बातें हो के दिल पर पत्थरों की तरह पड़ रही थीं उसके दिल को लहूलुहान कर रही थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि उसे सुकून आ जाए उसने दिल में सोचा वाकई में नीलम तुम बहुत खुशकिस्मत हो तभी तो तुम सब जीत चुकी हो पहले से ही जिसको जीतने का मैंने कभी तसवुर भी नहीं किया था वो पहले ही तुम जीत चुकी हो मैं चाहती थी कि वो मुझे मिले लेकिन अब तुमने सब छीन लिया है बल्कि सब तुम्हारा ही था क्या कहूँ मैं वो दिल ही दिल में रोते हुए बोली और मैं तो बग़ैर खेले ही हार गई क्योंकि तुम पहले ही जीत चुकी थी यार चलो अब कुछ नया करते हैं या हम लोग क्या हम लोग भी बच्चों की तरह लूडो खेलने लगे हैं क्यों हुन हमजा ने हुरैन को मुखातिब किया जी क्या कहा आपने भाई मैंने नहीं सुना मैं बताता हूँ न दरअसल हमजा कहना चाह रहा है कि वो छोटा बच्चा नहीं बन के रहना चाहता अब वो बड़ा हो गया है और कोई बड़ों वाला गेम खेलना चाहता है क्यों हमजा अयान ने हमजा को छेड़ते हुए कहा हाँ ऐसी ही बात है दोनों हंसने लगे हमजा ने कहा क्यों ना हम लोग अंताक्षरी खेलें क्यों हुरैन तुम्हारा तो ये फेवरेट गेम है ना हाँ भाई लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा अरे ऐसे कैसे तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तुम तो हर वक्त इसके लिए तैयार रहती हो पता है आप लोगों को हुन अपने कॉलेज की टॉप सिंगर के कंपटीशन में फर्स्ट आई है और सिंगिंग इसका पैशन है अच्छा तो ऐसी बात है तो हम ज़रूर हुरैन से कुछ सुनना चाहेंगे क्यों आलिया हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चलो हुरन मान भी जाओ अच्छा आप सब कहते हैं तो ठीक है ये हुई ना बात आयान ने पुरजोश अंदाज में कहा हुन पहली दफा मुस्कुराई थी वही वाली सुना दो जो कॉलेज में गाई थी जो भी तुम्हारा दिल करे हमजा ने उसे कहा पयाम आए हैं उस यार बेवफा के मुझे जिसे करार ना आए कहीं भुला के मुझे पयाम आए हैं उस यार बेवफा के मुझे मैं खुद को भूल चुकी थी मगर जहाँ में उदास छोड़ गए आईना दिखाने वाले पयाम आए हैं उस यार बेवफा के मुझे गज़ल के अख्ताम पर सब तालियाँ बजाने लगे और हुन को दाद देने लगे वाह हुन तुम्हारी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है नीलम ने कहा सच में जादू है इसकी आवाज़ में मैं तो जैसे कहीं खो ही गया था आयान तारीफ़ किए बग़ैर ना रह सका आलिया और हमज़ा ने भी उसे सराहा शाजिया अचानक कमरे में दाखिल होते हुए बोली ये लो बच्चों मुंह मीठा करो आलिया शादी की तारीख तय हो गई है ये सुनते ही आलिया और नीलम के गाल सुर्ख हो गए और हमज़ा और अनान के चेहरे भी खुशी से चमक उठे लेकिन हुन को देख के लग रहा था कि किसी ने ज़ोरदार तमाचा दे मारा हो उसके मुंह पर अरे एक काम करते हैं हम लोग इसी खुशी में आइसक्रीम खाने बाहर चलते हैं आयान ने शाजिया की तरफ देखते हुए इजाज़त चाही। हाँ बेटा ज़रूर जाओ और वैसे भी अब तुम लोग शादी पर ही मिलोगे आखिरी बार घूम फिर लो तुम लोग जितना ऐसे घूमना है क्या हुआ बेटा हुरैन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना ऐसे क्यों एक तरफ बैठी हो ये लो तुम भी मुंह मीठा करो शादिया ने मिठाई का एक टुकड़ा हुरैन के मुंह में डालते हुए कहा हुन ने बामुश्किल उसे निगला जी आंटी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है तबीयत को क्या होगा ये लें आप भी मुंह मीठा करें हुरैन ने मुस्कुराते हुए शाजिया को मिठाई खिलाई भाई कार तो मैं ड्राइव करूंगा। अयान ने पहले ही ऐलान कर दिया लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ आगे बैठ सकते हो हमज़ा नहीं नहीं आयान कैसी बातें कर रहे हो आगे तो भाभी की जगह है इससे पहले कि नीलम आगे बढ़ती हुरन फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए बोली नीलम अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आगे बैठूंगी मैं शुरू से ही आगे बैठती हूँ मुझे गाड़ी में पीछे बैठ घबराहट होती है हाँ क्यों नहीं हुन ज़रूर तुम बैठो मुझे कोई अतराज नहीं है वहाँ पहुँचते ही उन्होंने एक टेबल बुक करवाई और फिर आयान ने ऑर्डर कार्ड उठाते हुए कहा हाँ भाई सब कौन सा फ्लेवर खाएंगे हमज़ा बोला मेरा पिस्ता आलिया आपको भी पिस्ता पसंद है ना भाई मेरा भी सेम और नीलम तुम्हारा चॉकलेट ना हाँ एज़ यू नो मैं तो कुल्फ़ा खाऊंगा हुरैन तुमने नहीं बताया अब तक मैं भी कुल्फ़ा ही खाऊंगी अच्छा हैरत की बात है वैसे तो तुम ब्लूबेरी आइसक्रीम के अलावा और कोई ट्राई नहीं करती आज तुम कुल्फ़ा खा रही हो हाँ भाई आज मेरा दिल कर रहा है कुछ नया ट्राई करने का हमजा ने हैरत से हार्ड झटकते हुए देखा अब मंज़र ये था कि हमज़ा आलिया को और अनान नीलम को अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा था हुरैन के गले में ठंडा आग बरसा रहा था हुरैन को उदास देखते हुए अन बोला हमज़ा लगता है हुरैन हर वक्त चुप और उदास रहती है जबकि मैं जब उससे शुरू में मिला था तो ये मुझे बहुत ही शोक और चंचल सी लगी थी मगर अब तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कमगो है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ये तो बहुत शोर मचाती है बहुत आफत है ये पता नहीं आज इसे क्या हो गया है हाँ हुरैन क्या बात है मैं भी देख रही हूँ कि तुम बहुत चुप चुप हो उस दिन तो तुमने मुझसे इतनी बातें की थी मुझे बहुत अच्छा लगा आज क्या हुआ है क्या कोई परेशानी है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं आप वजह परेशान ना हो मुझे दरअसल कॉलेज में एक असाइनमेंट जमा करवाना है उसी के बारे में सोच रही थी उसे कंप्लीट करना है तो इसीलिए थोड़ी फिक्रमंद हूँ बाहर के मौसम की ठंडी खुशनुमा हवा उसके लम्ब से टकरा रही थी उसके गर्म जिसम में ठंडी लहरें दौड़ रही थीं। उसे तेज़ बुखार था इस वजह से भी शायद वो निढ़ाल हो रही थी लेकिन निढ़ाल होने की वजह बुखार ना थी ना कुछ और ये बुखार तो शायद इश्क का बुखार था वो खिड़की में बैठी बाहर का मंज़र देख रही थी अचानक उसको अपने चेहरे पर मौजूद पानी के कुछ कतरे महसूस हुए उसने चेहरे पर अचानक हाथ फेरा तो देखा ये पानी उसकी आँखों का पानी था वो जो बाद बेबाद मुसलसल जाने क़ब से बहे चले जा रहे थे और उसे खुद भी इलम ना हो रहा था यह क्या हो गया है मुझे मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे कहूं? अपने दिल की बात कौन समझेगा कैसे बताऊं आखिर कैसे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अपने आप से ही बातें किए जा रही थी उसके कानों में आरजू की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो बातें जब उसने मोहब्बत के तबसरे पर बहस की थी आज उसी मोहब्बत की वजह से वो ख़त्म हो रही थी वो बेबस हो गई थी हुन तुम ऐसे शख्स के लिए क्यों रो रही हो जो तुम्हारा ही नहीं जो किसी और का है और रही बात मोहब्बत की तो तुम तो कहती थी कि मोहब्बत कुछ नहीं होती ये महज फजूल बातें हैं फिर तुम खुद को ये ये बात क्यों नहीं समझा पा रही और क्या मोहब्बत ऐसे ही हो जाती है मैं तो उससे सिर्फ दो तीन बार ही मिली हूँ अचानक ही उसके दिल ने उसकी अना को रोक लिया कि नहीं उसमें तो सब कुछ है हर वो चीज़ जो एक लड़की चाहती है वो हर लिहाज से अच्छा है उसके दिल ने एक बार फिर से उसकी आँखों में हिम्मत दी वो फिर सिमटते सिमटते टूट गई थी फिर उसने हिम्मत करके सोचा कि अब वो अयान को सब बता देगी कि वो उसे पसंद करती है और उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है